प्रज्ञा पूजन शक्ति के अनुष्ठान का एक आवश्यक अंग है। अष्टमी और नवमी के दिन कुमारिकाओं की पूजा की जाती है। पूजा के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाता है। उन कन्याओं का उनकी आयु के अनुरूप उनके नाम भी हैं। 2 वर्ष की कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका और 7 वर्ष की शांभवी, 8 वर्ष की चंडिका और 9 वर्ष की साक्षात दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इनकी आयु के अनुसार देवी भागवत में इनके अलग अलग पूजन करने का विधान भी है। जो लोग समर्थ हैं वो 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, 108 कन्याओं का पूजन करते हैं, अथवा कम से कम 1 कन्या का, 3 कन्याओं का, 5 कन्याओं का, 7 कन्याओं का इस रूप में कन्याओं का वर्णन करें। कन्या सर्वांग सुंदरी हों, अधिक रोम वाली ना हों, किसी प्रकार का अंग भंग ना हो, कानी जो टपंखी बोलते हैं जिसको टेढ़ा देखने वाली, ऐसी कन्या का वर्णन ना करें, बल्कि सर्वांग सुंदरी कन्या का वर्णन करने से विशेष रूप से, क्योंकि भगवती साक्षात स्वयं जो है अति सुंदरी हैं, उन कन्याओं का ध्यान करते हुए वो करते हैं। मंत्राक्षर महीन देवी मातृनाम रूप धारणी पूजान ग्रहम कुमारी जगन माता नमोस्तुते, उनसे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कुमारी कुल कुमारिकाए नमः, उनको धूप दीप गंध नैवेद्य आदि से उसी प्रकार पूजन किया जाता है जिस प्रकार हम भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। कन्या को साक्षात पराम्बा भगवती का ही स्वरूप मानते हुए उनका पूजन अर्चन किया जाता है। उनको नाना प्रकार के स्वादु व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और बाद में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से भगवती जो प्रसन्न होकर साधक को साधना में सफलता प्रदान करती है, उनके समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। इसलिए कन्या पूजन अवश्य किया जाए। और इसका एक सामाजिक पक्ष भी है कि अगर जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे वातावरण में चारों तरफ हम देखते हैं कि समाचारों में लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, उनके साथ उनका यौन शोषण किया जाता है, तो मैं कहता हूं कि एक सामाजिक सुधार का भी एक ये पक्ष है कि जो भी व्यक्ति अगर 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक जिस कन्या का पूजन अर्चन करेगा उसके प्रति उसके मन में कभी भी कोई दुर्भावना या कोई कुदृष्टि उसके मन में नहीं आएगी, उसका एक पक्ष ये भी है। इसलिए जो है नवरात्र के अवसर शक्ति के रूप में कन्याओं का पूजन अर्चन किया जाता है।